हेलो यालुवनी बलाकुलट वीडियो चैनल संबंध वेना पे यूट्यूब यालु सेलु देना आईबोवन कीला अदत पिलिगन्नवा इतिंग अदवाल मे वीडियो के संबंध वेन्नी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर्स पाडमालावे 16 वेनी पाडमटाय मीट कलिंग कोटस वालाट बलन्न बेरी उना ना पहल तीन डिस्क्रिप्शन सेक्शन के ईट अदाल लिंक्स अतुलत करला तीयनवा एवगेम वाला तामत मगे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करला नेत्तां पहल दिन रतुपाट सब्सक्राइब बटन के मत क्लिक कर ला सब्सक्राइब करना एवगेम इटे हाँ पैते तीन बेल आइकन के मत क्लिक कर ला ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना तम तक करने बा अदम मे पाड़ी वाला कील दिन बलापुर फोम का कोहमद डिजाइन व्यू के निर्माण करीट कलिंग पाड़ वाल दी बेसिक फॉर्म का निर्माण करगाने कोहमद एवगेम फॉर्म विसाड भाविता कर ला फॉर्म का निर्माण करगाने कोहमद की निका भी कथा करा දැන් අපි බලමු කොහොමද ෆෝම් එකක් ඩිසයින් view එකේ නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම create කියන tab එකේ forms කියන group එකේ form design කියන tool එක මත click කරගන්නවා. එවිට ඔයාලට මෙන්න මේ වාගේ blank canvas එකක් open වෙනවා. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ සමහර විට property sheet එක on වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම form එකක් design view එකේ ආරම්භ කළාට පසුව අලුතෙන් ribbon තුනක් open වෙනවා. ඒ ribbon තුනම फॉर्म्स डिजाइन टूल्स की ग्रूप अटते अतुलाइन की रिबन निक अनितक तमाय अरेंज की रिबन निक अनितक तमाय फॉर्मेट की रिबन निक मे डिजाइन की रिबन निक अपि कथा करो मे डिजाइन रिबन निके दकुनवात पैते कोने में टूल्स की ग्रूप तीयनवा मे टूल्स की ग्रूप प्रॉपर्टी शीट की ऑप्शन निकाकतीयनवा इति मे प्रॉपर्टी शीट ऑन ऑफ करना अभी मिथन बटन का विधि क्रियात्मक मे प्रॉपर्टी शीट ऑन कराट पास मे विधि अभी ओपन करगनी फॉर्म इकटादाल सीएलम प्रॉपर्टी मिथन बलागा सह विनाशरगा हेकिया वक्तन अभी इधि मेम कोहमद तमंगी अवश्यता पारधि विनाशरगा कथाकर इवगेम डिजाइन रिबन के मूल सामान्य पारधि अभी व्यूस्टिक दखगा लेनवा इलंगट अभी पुलवां थीम्स भावताकरा एवगेम कलर्स सह फॉन्ट्स भावताकरण पुलवां ईट मेहापैते कंट्रोल्स कीटसाक्तियनो मे कंट्रोल्स अटते अपे फॉर्म मेक तूल भाविता कल हेकि सीलुम कंट्रोल्स टीक अंतर्गत विनवा एवगेम अपे फॉर्म मेकट यम किसी ऑब्जेक्ट का इंसर्ट कर गेनीम सदा मे कोटस भावताकरण पुलवां एवगेम हेड फुटर सेक्शन काकतीयनो इति मे आदि वशे विशाल करुण प्रमाण डिजाइन की रिबन की अंतर्गत वेला तीयनो इलंगट अभी अरेंज रिबन कथा करमु अरेंज रिबन के अंतर्गत मे कैनवास अतुला कंट्रोलर्स विनत ऑब्जेक्ट यम क्रमानुकूल क्रम वेदे कट कोहमद मे के लेआउट सकास्कर टूल्स टीका मिथन टेबल सह रोस एंड कॉलम्स की सेक्शन देखे अटते अंतर्गत वेलाती एवगेम मर्ज एंड स्प्लिट की कोटसे अटते अंतर्गत एदेम तमाय मूव अप मूव डाउन अटते अपिट पुलवांगे ऑब्जेक्ट्स मूव करन्न एवगेम एवगे पोजिशन्स वेनस करन्न एवगेम साइजिंग सह ऑर्डरिंग की टूल्स भाविता करला मे कैनवास एक तुलट अतुलत करन ऑब्जेक्ट्स वल ऑर्डरिंग सह प्लेसमेंट एक वेनस करगन्न हेकियाव तियेनवा इलंगट अभी कथा करो फॉर्मेट की रिबन निक फॉर्मेट की रिबन निके सिलेक्शन टूल्स टिकनो एवगेम अभी सामान्य भाविता करना फॉन्ट की ग्रूप के अटते तीन टूल्स टिकनो एवगेम नंबर की ग्रूप के अटते अतुला टूल्स टिक बैकग्राउंड अतुला करना ईट अदाल टूल्स टिक एवगेम कंट्रोल फॉर्मेटिंग से अटते अभी तव दुरटा विशाल फॉर्मेटिंग ऑप्शन प्रमाण मे को अंतर्गत वेला तीयनो अभी मे देवाघन इधी ये अवस्थानुकूल कथाकर इलंगड़ अभी कैनवास हितवत् कैनवास मे विधि ग्रिड लाइन्स लिंग अंतर्गत वेनवा इवगेम गाइड लाइन्स अतुलावा कैनवास बोर्ड अभी माउस पॉइंट अरांजी मे विधि डबल एरो हेड सहित माउस पॉइंट अभी दखगा ये अवस्था अभी माउस पॉइंट क्लिक करगेन मे विधि लेफ्ट सह राइट ड्रैग कर दी अभी तो हेकिवती अपे कैनवास के सैज विशाल कुड़ाकर एवगेम तमाय बॉटम बाउंड्री के मे विधि क्लिक करगेन ड्रैकल अभी तो हेकिवती कैनवास उसी अड़वेड़ करगा मीलंगट मम डिजाइन की रिबन मारवेला मे कंट्रोल्स की ग्रूप अटते टेक्स्ट बॉक्स की टूल मत क्लिक करला
मगे माउस पॉइंट कैनवास तुलाट अरगेन एनवा कैनवास तुलाट अरगेन दी मगे माउस पॉइंट हेडे मे विधिट विनावेलावा दमट पुलवांग मगे कैनवास तुलाक माउस क्लिक कर माउस क्लिक इवर उनाट पास मगे माउस पॉइंट नवत सर नॉर्मल पॉइंट बाट पत्लावा एवगेम मगे कैनवास तुलाट मे विधिट बॉक्स देखा कैतुलावा मिथन दंट मे तमिल पार्टिंग सिलेक्ट अपे टेक्स्ट बॉक्स इवगेम मिथन तीन लेबल बॉक्स मे लेबल बॉक्स की अंतर्गत देवा स्टैटिक विधि हूं पुलवांग इवगेम मिथन टेक्स्ट बॉक्स की अंतर्गत देवा डायनामिक विधि हूं पुलवांग इकट हेतु तमाइ मे टेक्स्ट बॉक्स की अंतर्गत यम किसी टेबल लेक हो क्वेरी डेटा फील्ड अदाल तरतर निशा एनाम सैम विटम टेक्स्ट बॉक्स की नियोजनी टेबल लेक हो क्वेरी अंतर्गत वेलाधीन तरतर मे टेक्स्ट बॉक्स की बोर्ड मम क्लिक कर अलगें मे विधि ड्रैक कर लो तपिट पुलवांग मे टेक्स्ट बॉक्स तम कमती स्थान मू कर एवगेम आलट पेन मम मे टेक्स्ट बॉक्स मू कर अतारी आट पास मे टेक्स्ट बॉक्स सापेक्ष मे तीन लेबल बॉक्स मे अतम पीटी पास इति मट मे टेक्स्ट बॉक्स लेबल बॉक्स तनि तनि मू कर गवश्यना ये सदा मम करोनी मेन मेतन तीन मे ग्रे हैंडल किंग अलगें मे विधि ड्रैक कर अतारीन एविट तनि तनि मे लेबल सह टेक्स्ट बॉक्स मू कर गेकिव तीन मे विधि मम टेक्स्ट बॉक्स सह लेबल बॉक्स तिब्बन स्थान विनास्कर नवत सर मम टेक्स्ट बॉक्स की बोर्ड अलगेन विना स्थानीट गिहल तैयारियो वालट पेन दे अवस्था मम आर विनास्करपुदे ये विधि तीयागेन टेक्स्ट बॉक्स समग लेबल बॉक्स एक्ट गमन करवा इवगे मम लेबल बॉक्स मे विधि माउस क्लिक कर ड्रेक्लो अनिवार्यम लेबल बॉक्स समग टेक्स्ट बॉक्स मे विधि गमन करवा इध मे दिनागे बोर्ड अलगें मूकरण वस्तावेदि मे दिनाम इकट गमकरण मे दिनाव तनि तनि मूकरण वश्यना मे तीन ग्रे हैंडल स्वेलिंग अलगन तमाइ मे दिनाव मूकरण ओनि इवगे मापिट पुलवांक तीन मे टेक्स्ट बॉक्स काको लेबल बॉक्स सिलेक्ट कराट पासे मे एन हैंडल्स भाविता करला मे आगे साइज विनास्कर मम इन मेवागे राइट साइड तीन हैंडल के बाविता कर ला मे आगे पलल वैडी करवा एवगेम मे टॉप के हो बॉटम के तीन हैंडल के बाविता कर ला मे आगे उस एडजस्ट करवा एवगेम मम लेबल ईट सापेक्ष समान आकार सकास करवा मे विधि पलल वैडी कर ला टेक्स्ट बॉक्स के पलल समान विधि मम लेबल बॉक्स के पलल विशाल कर ला सकास करता दमट पुलवांग मे सकास करगत्तु टेक्स्ट बॉक्स एक कोई आकारयट अपे फॉर्म एक तुल दर्शने वेद कियला बलन्न फॉर्म व्यू एकट मारुवेला बलन्न ए सदहा मट डिजाइन व्यू एके मेतन व्यूस कियन ग्रुप एक यटते फॉर्म व्यू एक अरगन्नत पुलुवन एहेम नैत्तम होम रिबन एके व्यूस कियन ग्रुप एक यटते फॉर्म व्यू एक अरगन्नत पुलुवन एहेमत नैत्तम ओयालगे एप्लिकेशन एके पहल तियन स्टेटस बा एके मेन्न मे स्थाने तियनवा फॉर्म व्यू एक इतनी तोलट फॉर्म व्यू एक मारवी मे हेकिवती इति मम मे फॉर्म व्यू टूल मत क्लिक करला मे विधि फॉर्म व्यू एक मारूनाट पास पसुबी मे पेन ग्रे कलाइके तीब कैनवास आईंग वैट कलाइक बाउट पत्लातीनो इवागेम कैनवास तीब बाउंड्री स्टिक दंगल पेन मेक तनि शीट विधि तम पेन इवागेम अभी यतुलाकू टेक्स्ट बॉक्स मे विधि अवटन हेकिंग पेनवा इवगेम लेबल बॉक्स की अवटन पेन लेबल बॉक्स तुलती है टेक्स्ट वितरा मे विधि पेन अभी मीट टिकट कालीन कथाकरावागे मे फॉर्म मेहक प्रधान वशेम प्रॉपर्टी विशाल प्रमाण कतुलावा मम नवत सर मे फॉर्म मेके डिजाइन व्यू एक मारवेन डिजाइन व्यू एक मारवेला फॉर्म डिजाइन टूल्स की ग्रूप अटते डिजाइन की रिबन के अरगेन डिजाइन की रिबन के मे प्रॉपर्टी शीट की ऑप्शन के मम ऑन करगा इतकोट मेतन दखन पे प्रॉपर्टी शीट की पेन का ओपन वेनवा मे प्रॉपर्टी शीट पेन के वाले पेन वैती ऑप्शन विशाल प्रमाण तीन
मिथन ड्रॉप डाउन लिस्ट का तीन मे ड्रॉप डाउन लिस्ट का अरगत पास वाला पेन मिथन मगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की फोटा तुनाक तीन एक तमाइ फॉर्म की अनेक तमाइ लेबल वन की तमाइ दम मिथन सकास्कर लेबल लेख अनेक तमाइ टेक्स्ट जीरो की इति अभी फॉर्म एका तुल विविध कंट्रोलर सह विविध ऑब्जेक्ट्स अतुलात करादी मेतन तीन मे प्रॉपर्टी शीट के मे ड्रॉप डाउन लिस्ट के मे विधियट एन वैडेन मे अतुलात करना सैम ऑब्जेक्ट नम संद मेतन प्रॉपर्टीज वेनम अतुलात्वेनवा ए अनुव मेतन लिस्ट के शीट के अतुलात्वेन ऑब्जेक्ट्स प्रमाणे मत वर्धने वेनवा मम दे मे अवस्था विधि फॉर्म कियन एक तोरगन्नवा फॉर्म्स कियन एक तोरगत्तट पास्से मे विधियट अपिट फॉर्मेट डेटा इवेंट्स अद कियला टैब्स की पे आगतीनवा ये टैब अदालवेन्नि मे कियन ग्रूप एक यटते कथा करन देवल मे विधियट ग्रूप करला नैतुव अपिट सियलुम प्रॉपर्टीज टिक एक तनकिन बला गन्न अवश्य नम् मे ऑल कियन टैब एक तोरगन्नत् पुलुवन् मम मुलिन्म फॉर्मेट कियन टैब एकट मारु वेनवा फॉर्मेट कियन टैब एक यटते अंतर्गत वेन्नि मे तोरगत्तु ऑब्जेक्ट एके फॉर्मेटिंग ऑप्शन संबंधव प्रॉपर्टीज उदाहरण विधिट पिक्चर टाइप एक एवगेम पिक्चर टाइल करनवाद एवगेम पिक्चर के वित्तक एवगेम अभी तोरागने इन फॉर्म के वित्तक मे फॉर्म एक सेंटर वेनवाद रीसाइज वेनवाद स्क्रीन फिट वेनवाद मेन मे की तोरतुर राशिया अपे मे प्रॉपर्टी शीट के फॉर्मेट्स की अटते अंतर्गत वेनवा इलंगट अभी कथाकराने डेटा की टैब डेटा टैब के कथाकराने अभी मे सिलेक्टर ऑब्जेक्ट अदाल डेटा लबागनीम सह डेटा लबादीमे स्थान उदाहरण हट अभी मे तोरगनी फॉर्म एक मे फॉर्म एक रिकॉर्ड कोहेन्द एन अभी पुलवा मेतन तोरगन अदाल टेबल एम अदाल कूरिक एवगेम मेकट अदाल फिल्टर्स एवगेम अभी ओडेक सकास्कर ओडेक मे आदि वशे विशाल कर्ण प्रमाण मे डेटा की ग्रूप अटते अंतर्गत वेनवा अभी मेवा इधि भाविताकरण स्थान अणु एक कथाकू देवस्था सिद्धुराने मे करण पीलिंद पड़ी हिंदी वीमा इवेंट की टैब अरगत इवेंट वाली अभी कथाकराने विजुअल बेसिक सह मैक्रोस् की ऑप्शन भावताकरला यूज विसीन यम किसी क्रियावाक् सिदुकल विट ए अणु एक्सस् विसीन क्रियात्मक वेन्नोनी आकार पीलिबंधव अभी यम यम देवा सकास्कर पुलवांग उदाहरण गो तभी बटने का सकास्कर लेनवा यूस विसी बटने का क्लिक कलो मुखद वेन्नोने की अनेक तमाइ अभी मे इवेंट्स अटते कथाकराने मेके इवेंट्स वाल पेन विशाल प्रमाणवा मे सैम इवेंट का एक एक कारण मत प्रयोजनवात्वेनवा थिंक अभी बल मे इवेंट्स वाली विशाल प्रमाण इधि भाविता करान इलंगड़ गो अदकीन टैबकती अदकीन टैबक अंतर्गत विनत करण उदाहरण हट अभी विंडो एक ओपन करो एक तीयन विंडो एक मतम ओपन विनवाद हेमनता विनत् विंडो एक ओपन विनवाद पॉपअप एक हट ओपन विनवाद आदि वशे अभी तोर तुर सकास्करण इवागेम रिबन के नम कोहमद अतुलात्वेन्नोने शॉर्टकट मेनू अवश्यद शॉर्टकट मेनू अवश्य नैद मे आदि वशे तोरतुरु तमाइ मे अदकीन ग्रूप एक अटति अंतर्गत विलाति मीलंगट अपिट हमुवेन्नी ऑल कियन टैब एक इतिन यम किसी प्रॉपर्टी एक मे वेन वेनमम टैब एकट गिहिल्ला होया गैनीम अपहासु हो ए अदाल वेन टैब एक अपि दन्ने नैत्तम अपिट पुलुवन् ऑल कियन टैब एकट मारु वेन्न ऑल कियन टैब एक यटते मे सियलुम प्रॉपर्टीस अंतर्गत वेनवा तनि टैब एकक तुल इति अपिट पुलुवन् मे प्रॉपर्टी लिस्ट एके इहलट पहलट स्क्रॉल करला तमन्ट अवश्य करन प्रॉपर्टी एक सोया गन्न मे विधिहट प्रॉपर्टी शीट एके वेड करला अवसान उनाट पास्से मेतन तीन एक्स बटन का भाविता करला मे प्रॉपर्टी शीट क्लोज करान पुलवांग एहमता नवत सरया मे प्रॉपर्टी शीट की बटन का मत क्लिक करला प्रॉपर्टी शीट अयिंग करगान पुलवांग एहमता वाला कीबोर्ड के ऑल्ट की एकाई एंटर की एकाई प्रेस करला प्रॉपर्टी शीट ऑन करगान्ना पुलवांग ऑफ करगान्ना पुलवांग एवगेम तवा शॉर्टकट तमाइ कीबोर्ड के F4 की एक प्रेस करला प्रॉपर्टी शीट ऑन करगान्न पुलवा प्रॉपर्टी शीट ऑफ करगान्न पुलवा एवगेम कीबोर्ड के F11 की एक भाविता करला अभी तो पुलवा नेविगेशन पेन एक मे विधि एक्सपैंड करगान्न सह कलैप्स करगान्न
अभी मे फॉर्म मेकूल वेडकदी अभी मे फॉर्म एरिया गुडक वेदगा सा नितरम मतगतियागन शॉर्टकट की सुवमनावेनो अवश्य वेलावेदी मेन मे प्रॉपर्टी शीट्स हेमनता नेविगेशन पेन विवृत करना अनवश्य वेलावेदी क्लोज करला तीर निवात करना इतकोट अभी विशाल एरिया कितुरुनो अपे आवश्यकर मॉडिफिकेशन हेमनता डिजाइन सदा मे कथाकर समहार प्रॉपर्टी अपे यम यम रिबन्स तुला अंतर्गत वेलावा इधिंग रिबन्स तुलिनु तेवापिट योदागान्न हेकियावतीयनवा हेबाई मे प्रॉपर्टी शीट एक यटते अंतर्गत वेन्नी अपिट भाविता करन्न पुलुवन् सियलुम प्रॉपर्टी रिबन तुला सियलुम प्रॉपर्टी अंतर्गत नौनत् मे प्रॉपर्टी शीट एक तुला अंतर्गत वेन्नी अदाल ऑब्जेक्ट एक संबंधेन भाविता कल हेकि सियलुम प्रॉपर्टी कियला मतक तियागन्न पूरेका निर्माणे किरीमेदी अपट सैम विटम डेटा सोर्स भाविता किरीमन सिद्धुवेनो इति मे विधियट भाविता करना डेटा सोर्स एक टेबल एकक वीमटात एहेम नैत्तां कोरेकक वीमटात हेकियाव तियेनो कोरेकक भाविता करनवा नम् अपिट कोरेकात क्रम देहेकट भाविता करन्न पुलुवन् एकक तमयि अपि कलिन् सकस् करगत्तु कोरेकक भाविता करन्न पुलुवन् एहेम नैत्तां फॉर्म एक निर्माणे करन अवस्थावेम फॉर्म एकट एम्बेडेड कोरेकक निर्माणे करन्न पुलुवन् मम मे अवस्था सूदानी मगे आयतने एंप्लायी संबंध फॉर्म एक निर्माण करसंदा दत्त लागेमेंटे एंप्लायी की टेबल लेक भाविताकरा नेतु मम एंप्लायी की टेबल लेक यदागेन मुलिम कोरी का क्रिएट करना ऐसंदा मम क्रिएट की रिबन मारवेला कोरी डिजाइन की मत क्लिक करला मेतन एंप्लायी की टेबल लेक ऐड करगा एंप्लायी टेबल लेक ऐड करला मे एंप्लायी टेबल के सीलम फील्ड पहलट ऐड करना वशाई इतनी ये सदा अभी दिता मे स्टाक भाविता करना पुलवांग एम मम तव क्रम कील मे तीन पलवनी फील्ड के नम मत क्लिक करला शिफ्ट की प्रेस करगेन अवसान फील्ड मत क्लिक करना वीट मे सीलम फील्ड मे आकार सिलेक्टेनवा मेम सिलेक्ट नाट पशु मेट ड्रैक करला पहल फील्ड स्थाने मे विद ड्रॉप करना पुलवांग मे सीलम फील्स मे आकार पहालट ऐडवा दम मे कोरी सेव करना मेतन सेव टूल लेकर भाविता करला मेतन नमदेनवा एंप्लायी की नमदी ओके करना एवीट मे मगे एर मेसेज का कविल अभी कीयनवा मगे दन टेबल लेक मे नम अंतर्गत वेनवा एनीसा टेबल लेक तीयन नम हेमनता दनट कोरी भाविता करलाती नम नवत सर कोरी का सन्दा लबादी नुह कीला अनिवार्यमी टेबल लेक हो कोरी नति नमक तमाइ नवत सर कोरी लबादे नोनी एनी सामा मेतन मे मेसेज को ओके करला मेतन मम एक्सिक्यूटिव एंप्लायीस तमाइ मेतन इन्े एनी सा मम मे विधिट मगे कोरी के नम एक्सिक्यूटिव एंप्लायीस विधिट मॉडिफाई करला ओके कीला देना इतकोट मे एक्सिक्यूटिव एंप्लायीस विधिट मे एंप्लायी टेबल के भाविता करला सकास्कर कोरी सेवेन दंग वाले हितने मम फॉर्म के भाविता करना टेबल के योदागा नेतु कोरी सकास्कर हेबाई मे कोरी के किसीम वेन साक्षी नौकर टेबल के तीन सीएलुम दत्त ए आकार कोरी अतुलाकर ऐ हेम कले कीलाकट हेतु तमाइ टेबल लेका भाविता करला अभी यम किसी फॉर्म का डिजाइन कराट पासे अभी तो किसी में मॉडिफिकेशन का करान बह में डेटा सोर्स से कट है भाई अभी कोरी का भाविता करला कोरी का हर हा फॉर्म का डिजाइन करा दिन मैं कोरी के दी अभी तो अनागते दी यम यम मॉडिफिकेशन सिद्ध करला फॉर्म का तुलट दत्त लबागा दिन ये मॉडिफिकेशन हर हा वडात्म फलदायी वेन विधियट डेटा लबागनी में हो अभी कोरी नवत सर डेटा पास करा दी अभी ये पास करना डेटा थवदूर मॉडिफाई करला विना विधि पास करगेमे हेकिया वक्त एनी सा मम गुडाक लावट भाविता करें फॉर्म का डिजाइन करगदी टेबल लेक कलीम भाविता करें ये सदा कोरी का निर्माण करला ये कोरी तुलती दत्त तमाइ भाविता करें वाला कमतीना मे सदा टेबल लेक भाविता करें पुलवा हेमनेता मे विधि टेबल के तीन दत्त भाविता करला कोरी का निर्माण करगेन कोरी का हरह फॉर्म का निर्माण करगान हेकिव तीन दम्मे सकास करगा तो कोरी का क्लोज करना क्लोज करला मीलांगट मम सूदान मेने फॉर्म का निर्माण करगान ये संदा मम क्रिएट की रिबन गिहिला फॉर्म डिजाइन की टूल मत क्लिक करला मे विधि ब्लैंक कैनवास का करगान
ब्लैंक कैनवास करगत्ता पास में मुलिम करोनी मे फॉर्म एक डेटा सोर्स कनेक्ट करोनी ඒ සඳහා මට ප්‍රොපර්ටි ෂීට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රොපර්ටි ෂීට් එක ලබා ගන්න ක්‍රම කීපයක් කියලා දුන්නා. එකක් ඕල්ට එන්ටර්, එහෙම නැත්නම් F4, එහෙම නැත්නම් ඩිසයින් කියන රිබන් එකේ මේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි ෂීට් කියන ටූල් එක. ඉතින් මේ ක්‍රම අතරින් කැමති ක්‍රමයක් භාවිතා කරලා ප්‍රොපර්ටි ෂීට් එක අරගන්න. ප්‍රොපර්ටි ෂීට් එක අරගෙන ඒකේ තියෙන ඩේටා කියන ටැබ් එකට මාරු වෙලා මුලින්ම අපිට හම්බ වෙනවා රෙකෝඩ් සෝස් කියලා. මේ රෙකෝඩ් සෝස් කියන තැන දකුණු අත පැත්තේ ක්ලික් කරන්න. එවිට මේ විදිහට drop down list එකක් තියෙනවා. මේ drop down list එකේ අදාළ ටේබල් එක හෝ query එක select කරගන්න. මම මෙතනදී සකස් කරගත්තු query එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. යම් කිසි විදිහකින් මම අර කලින් පැහැදිලි කරද්දී කිව්වා වගේ ඔයාලට කලින් query එකක් සකස් කරගන්නේ නැතුව form එකක් නිර්මාණය කරන අවස්ථාවේදී embedded query එකක් සකස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ සඳහා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන රෙකෝඩ් සෝස් කියන තැන දකුණු අත පැත්තේ කොනේම ඩොට් තුනක් තියෙන බටන් එකක් තියෙනවා. මේ ඩොට් තුනක් තියෙන බටන් එක මත ක්ලික් කළාට පස්සේ මේ විදිහට නැවත සැරයක් අපිට query එකක් build කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් open වෙනවා. මෙතනදී තමන්ට පුළුවන් කලින් වගේම query එකක් build කරන්න, query එකක් build කරලා මේ query එකෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අවස්ථාවේදී නිර්මාණය කරන query එක ඔයාලගේ navigation pan එකේ අන්තර්ගත වෙලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේක embedded query එකක් විදිහට නිර්මාණය වෙන නිසා. නමුත් මම මේ අවස්ථාවේදී කලින් සකස් කරගත්තු executive employees කියන query එක භාවිතා කරේ. ඒ නිසා මම මෙතනදී මේ close button එක භාවිතා කරලා close කරගන්නවා. දැන් මගේ record source එකත් select කරගත්තා. දැන් මම property sheet එක close කරලා මගේ canvas එක තුලට එනවා. දැන් අපේ form එකට record source එකක් connect කරගත්තා. ඊළඟට මට තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන fields ටික ඇතුළත් කරන්න. ඒ සඳහා මම නැවත සැරයක් form design tools කියන group එක යටතේ තියෙන design ribbon එකට මාරු වෙනවා. design ribbon එකට මාරු වෙලා ඒකේ tools කියන group එක යටතේ add existing fields කියන tool එක මත click කරගන්නවා. එවිට මේ වගේ field list කියන pane එකක් දකුණු අත පැත්තේ open වෙනවා. ये ओपन වුණාට පස්සේ මෙතන පෙන්වන්නේ අපි දැනට තෝරාගෙන තියෙන රෙකෝඩ් සෝස් එක තුල අන්තර්ගත වෙන සියලුම ෆීල්ඩ්ස් ටික. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන ෆීල්ඩ්ස් ටික විතරක් මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා අපේ ෆෝම් එකේ කැන්වස් එක තුලට ඩ්‍රොප් කරන්න. තනි තනි ෆීල්ඩ් එක ඩ්‍රැග් කරනවා වෙනුවට අපිට පුළුවන් කන්ට්‍රෝල් බටන් එක ක්ලික් කරගෙන රෑන්ඩම් සිලෙක්ෂන් එකක් ලබා දෙන්නත්, ඒ වගේම ආරම්භක ස්ථානයේ ක්ලික් කරලා shift key එක ක්ලික් කරගෙන අවසාන ස්ථානයේ ක්ලික් කරගෙන මේ වගේ පරාසයක් සිලෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන සීමාව සිලෙක්ට් කරගෙන අදාළ ෆීල්ඩ්ස් ටික ඩ්‍රැග් කරලා කැන්වස් එක තුල මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කැන්වස් එක තුල මේ විදිහට ඩ්‍රොප් කළාට පස්සේ තාමත් අපේ ෆීල්ඩ්ස් ටික ඔක්කොම සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට පුළුවන් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට මූව් කරලා පොසිෂන් කරලා මූලිකව ගැලපෙන ආකාරයට සකස් කරගන්න. මම දැන් මේ canvas එක තුල ක්ලික් කළාට පස්සේ මේ වගේ අපේ data fields ටික පෙන්නනවා. මේ data fields වල label එකක් සහ text field එකක් ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් මේ text field වලට records එන්නේ අපි select කරලා දුන්න record source එක පදනම් කරගෙන. මට මේ අවස්ථාවේදී කිසිම වෙනසක් සිදු නොකර form view එකට මාරු වෙලා බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ form එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම views කියන group එක යටතේ form view එකට මාරු වෙනවා. ෆෝම් view එකට මාරු වෙලා බලද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි රෙකෝඩ් එකේ ඩේටා ටික පෙන්නනවා. ඉතින් මම නැවත සැරයක් මේ ෆෝම් එක මොඩිෆයි කරගන්න අවශ්‍ය නිසා design view එකට මාරු වෙනවා. design view එකට මාරු වෙලා මේ ෆෝම් එකේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් අපි සිදු කරගමු. මුලින්ම මම මේ photo object එක select කරලා මේ photo object එකේ label එක නැතුව photo එක විතරක් මෙන්න මෙතන තියෙන gray handle එකෙන් අල්ලගෙන මම මේ වම්පස ඉහළ කෙළවරට ගෙනලා මේ විදිහට drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ size එක ටිකක් විශාල කරගන්නවා. ඒ වගේම employee ID එක gray handle එකෙන් අල්ලලා මේ වගේ දකුණු අත පැත්තේ කෙළවරට place කරනවා. මම මේ වගේ labels භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මම මෙතන නම select කරලා name field එක මේ විදිහට drag කරලා මෙතන drop කරනවා. ඒ වගේම name field එකේ width එක මම මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. එවගේම title field එකෙත් මම මෙතන gray handle එකෙන් අල්ලලා මෙයාව move කරලා මේ විදිහට title field එකෙත් width එක adjust කරගන්නවා.
මීළඟට මම address field එක අරගන්නවා address field එකේදී label එකත් එක්ක ගන්න ඕනේ නිසා gray handle එකෙන් අල්ලගන්නේ නැතුව මෙන්න මේ border එකෙන් අල්ලගෙන මේ විදිහට මම move කරගන්නවා මේක මම name එකට සහ title එකට ටිකක් දුරින් position කරනවා මෙතනදී මට මෙන්න මේ label එකෙන් අල්ලගෙන left එකේ alignment එක සකස් කරගන්නවා ඒ වගේම මම මෙතන මේ හැන්ඩලකින් අල්ලලා මේ ලේබල් ෆීල්ඩ් එකේ width එක විශාල කර ගන්නවා. ඒ වගේම මට අනවශ්‍ය ලේබල් තියෙනවා නම් මේ විදිහට select කරලා keyboard එකේ delete key එක භාවිතා කරලා ඒවා මකා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ labels කීපයක් එකපාර select කරගන්නත් පුළුවන් select කරගෙන තමන්ට කැමති action එකක් ඒකට ගන්න පුළුවන් ඒ සඳහා label කීපයම මේ විදිහට අහු වෙන විදිහට rectangle එකක් draw කරලා අතාරින්න එවිට අදාළ rectangle එකට අහු වෙන සීමාවේ තියෙන සියලුම labels ටික මේ විදිහට select වෙනවා මම delete key එක භාවිතා කරලා මේ labels ටික delete කරගත්තා ඊළඟට මම මේ bio field එකත් මේ විදිහට position කරගන්නවා මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් තවදුරටත් අපිට එහා මෙහා අරගෙන යන්න පුළුවන් අදාළ ෆීල්ඩ්ස් ටික සිලෙක්ට් වෙන විදිහට රෙක්ටැන්ගල් එකක් ඩ්‍රෝ කරගෙන කීබෝඩ් එකේ ඇරෝ කීස් භාවිතා කරලා අපිට මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම මේ ෆොටෝ එකේ සයිස් එක තව ටිකක් මෙන්න මේ ආකාරයට විශාල කර ගන්නවා මේ විදිහට ෆෝම් එක සකස් කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ෆෝම් view එකට මාරු වෙලා කොහොමද මේක සකස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඒ සඳහා මම මෙතන views කියන තැන form view එකට මාරු වෙනවා form view එකට මාරු වෙලා බැලුවාම මෙන්න මේ ආකාරයට මට ලස්සන form එකක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා ඉතින් මට පුළුවන් මේ පහළ තියෙන record select එක භාවිතා කරලා මේ එකින් එක record එකෙන් record එකට මාරු වෙලා බලන්න ඒ අදාළ මාරු වෙන record එකට අනුකූලව මේ form එකේ අන්තර්ගත වෙන records වල දත්ත වෙනස් වෙනවද කියලා ඉතින් මේ විදිහට දත්ත එකින් එක record එකෙන් record එකට වෙනස් වෙනවා නම් ඔයාලා හරියාකාරයෙන් රෙකෝඩ් සෝස් එක ලබා දීලා තියෙනවා ඒ වගේම අදාළ data fields ටික ඇතුළත් කරගෙන තියෙනවා ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගන්න ෆෝම් එකක් තවදුරටත් modify කරන්නේ කොහොමද කියලා මීළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු